गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा सेवेंथ क्लास का कर रहे हैं हम ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल हम पढ़ चुके हैं, आज हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। क्या सॉल्व कर रहे हैं? प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम में देखो, फर्स्ट हम एक्सरसाइज जो कोचिंग क्लास की है आपने रेजोनेंस वाली बुक से कर रहे हैं एक्सरसाइज थ्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग में लाइज आउटसाइड और ऑन द ट्राइंगल। क्या कह रहा है कि हमें बताना है कि या तो ट्राइंगल उसके आउटसाइड होना चाहिए या किस पे होना चाहिए, ऑन द ट्राइंगल, ट्राइंगल के ऊपर। अब देखो सर्कमफेरेंस होती है वो हमेशा कहाँ होती है, सर्कल के कहाँ पर होती है, सर्कल के लिए सर्कम सेंटर निकालते वो क्या होती है, उसके ऊपर होती है। सेंट्रोइड क्या होता है कि जब हमारे पास मीडियंस होते हैं ट्राइंगल्स का, तो ट्राइंगल के थ्री मीडियंस होते हैं। ट्राइंगल्स होती है उसके कितने मीडियंस होते हैं, इस तरह से थ्री मीडियंस होते हैं। अगर वो थ्री मीडियंस क्या करते हैं हमारे पास में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो सेंट्रोइड हो जाता है। क्या हो जाता है? सेंट्रोइड। और ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जो एल्टीट्यूड होते हैं ट्राइंगल के वो आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो क्या हो जाता है, ऑर्थो सेंटर हो जाता है, ठीक है। इन सेंटर क्या होगा, जो ट्राइंगल के अंदर। अब हमें ये बताना है कि उसके ऊपर कौन सा रहता है आउटसाइड और ऑन द ट्राइंगल, तो कौन सा होगा हमारे पास सर्कम सेंटर और कौन सा होगा ऑर्थो सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हैव लेंथ 9, 13 और के। जो हमारे पास ट्राइंगल है उसकी साइड गिवन है 9, 13 और के, ठीक है, 9, 13 और के। अब इसमें देखिए बेटा क्या हो रहा है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है कि हमारे पास के इज एन इंटीजर है फॉर हाउ मैनी वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू कितनी हो सकती है, इज द ट्राइंगल ऑब्ट्यूज, ट्राइंगल कैसी है ऑब्ट्यूज। अब देखो हम जानते हैं कि जो अपने पास ट्राइंगल होती है, ट्राइंगल में हमेशा टू साइड्स का सम मीन्स के प्लस में 9, ठीक है। के फर्स्ट में ले रहे हैं, हमेशा टू साइड्स का सम ग्रेटर होता है किससे, थर्ड साइड, थर्ड साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है थर्ड साइड से। अगर हमारे पास वो ग्रेटर हो रहा है तो ग्रेटर के थर्ड साइड से वो क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है। अब देखो ये साइड किसका है, माइनस का, उस साइड प्लस का, इस साइड किसका हो गया है, माइनस का। तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ग्रेटर 4। के की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर 4 आ गई। अब देखिए क्या कह रहा है कि हमारे पास कैसे है ऑब्ट्यूज एंगल है, कैसा है ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा कि हम स्केयर्स करते हैं वन साइड का, स्केयर्स करते हैं किसका, वन साइड का, वो ग्रेटर होता है अदर टू साइड के स्केयर के सम। टू साइड का स्केयर का क्या लेंगे हम, सम्स लेंगे, उसका सम्स लीजिए। सम क्या है हमारे पास, अदर टू साइड कौन कौन सी है हमारे पास, 9 और 9 है, 9 का स्क्वायर प्लस में 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 9 का स्क्वायर 81, 13 का स्क्वायर 169, तो इनका सम करते हैं क्या आ गया 052। अप्रोक्सीमेट देखो अब इसकी के वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, एग्जैक्टली नहीं होगा ये एग्जैक्टली स्क्वायर, क्योंकि एग्जैक्टली जो 15 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है 225 होता है, 16 का होता है वो क्या होता है 256 होता है। अब देखिए ये 250 है, इससे तो ग्रेटर है, मींस के की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 15, अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, मींस ये क्या हो रहा है 15 से ग्रेटर हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे पास 15 से ग्रेटर हो। अब देखो हमारे पास क्या कह रहा है, सेम एज इट इज, अब देखो हमारे पास ये क्या कह रहा है कि 215 से क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह से इसमें अगर हम क्या कर रहे हैं, सेम इसी तरह से इसमें
क्लियर करेंगे के स्क्वायर प्लस में 9, ठीक है। 9 का स्क्वायर प्लस में 13 का स्क्वायर, k का स्क्वायर हो गया 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 16 का स्क्वायर 160। अब k स्क्वायर इस साइड प्लस का है, उस साइड किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या आ गया ये हमारे पास, k स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 88 आ रही है। k स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास से, 88 आ रही है। अब देखिए k स्क्वायर की वैल्यू अगर 88 है तो हमें नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगर टू साइड्स का, अब देखिए बेटा यहां से हमारे पास k की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अनरूट 88 हो गए इक्वेशन टू से, ठीक है। अब नेक्स्ट में भी क्या होगा कि अदर टू साइड्स का सम, ठीक है, ये तो केस फर्स्ट हो गया। अब ये केस सेकंड था हमारे पास, केस सेकंड में अगर ऑब्ट्यूज ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ऑब्ट्यूज ले रहे हैं, तो ये हो गया अगर टू साइड्स का सम करते हैं, यहाँ पर टू साइड्स क्या है 9 प्लस 13 का सम करेंगे तो किससे, थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ग्रेटर, के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, लेस देन। अब देखिए बेटा हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में देखिए हमारे पास 4 इक्वेशंस हो गई, ठीक है, 4 इक्वेशंस में क्या है, अब देखिए एक तो इस इक्वेशन से एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, मीन्स यहाँ से के की निकालेंगे अनरूट 88। अब देखिए बेटा 88 को अप्रोक्सीमेट करेंगे 9 तो क्या हो गया, 9 81 का किसका हो गया, 81 का हो गया, इससे नेक्स्ट क्या ले लेंगे, मीन्स ये हमारे पास 10 हो गया या 9 ले सकते हैं। ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गए हमारे पास, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से वैल्यू क्या क्या आ जाएगी हमारे पास, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यहाँ से ये वैल्यू हो रही है। अब यहाँ से ये वैल्यू होने के बाद क्या हो गया 180, इस साइड 80 प्लस का इस साइड
इक्वेशन वन, ठीक है। आप देखिए एंगल वन प्लस फिफ्टी, एंगल वन प्लस फिफ्टी इज इक्वल टू 125। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है ये? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में आप देखिए एंगल वन की वैल्यू क्या है, 180 माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस में 50 125। अब हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स इस साइड किसका है, प्लस का है, माइनस का है, तो उस साइड ले जाएंगे इसको, तो किसका हो गया, प्लस का। 180 भी यहाँ पर रहेगा, 80 भी 50। अब माइनस 125 उस साइड किसका, प्लस का इस साइड किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब प्लस प्लस को ऐड कर लेंगे 230, माइनस माइनस को ऐड कर लेंगे 502। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी हमारे पास एक्स की, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए बेटा क्या कह रहा है ये हमारे। इन्हें ट्राइंगल बन रही है, पी क्यू आर ट्राइंगल में है, देन द राइट एंगल बताना। देखो ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये बन रही है, इसमें क्या कह रहा है, पी क्यू का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर प्लस में पी आर का स्क्वायर। क्या कहता है कि बेटा जो हाइपोटेन्यूज का होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, वो इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर। अब देखो हमारे पास ये है हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर 90 का लेंगे, ठीक है। हाइपोटेन्यूज ये हो गया, हाइपोटेन्यूज का क्या नाम है, पी और क्या, क्या हो गया, पी और क्या का स्क्वायर प्लस में क्यू और आर का स्क्वायर प्लस में पी और। तो जो राइट एंगल है वो किस पे बना हुआ है, 90 का है राइट एंगल, किस पे बना हुआ है, आर पे, किस पे बना हुआ है, आर पे। नेक्स्ट कह रहा है द डिग्री मेजर ऑफ ईच ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज एन इंटीजर विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द रेशियो ऑफ देयर मेजर। हम इनको रेशो को फाइंड आउट करना है कि कौन सा है जो एंगल्स को मेजर नहीं कर रहा। अब देखो इनके रेशो को x ले लेंगे, क्या ले लेंगे, x, तो 2x हो गया, 3x हो गया, 4x हो गया, ठीक है। मीन्स हमारे पास जो थ्री एंगल्स होते हैं उनका सम कितने का होता है बेटा, 180 का होता है, कितने का होता है, 180 का होता है। अब देखिए कितने हो गए, 9x हो गए, 180। तो x क्या हो गया, 180 अपॉन में 9 क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास 20। मीन्स ये तो कितने का हो गया, 40 का, ये 60 का, ये 80 का, मीन्स इनका सम आ गया 180, ये तो फॉलो हो गया। सेम ऐसे 3, 4, 5 का निकालेंगे, फिर किसका निकालेंगे, 5, 6, 7 का, फिर 6 है, जो हमारे पास अगर इनका सम 180 आ रहा वो तो क्या हो जाएगा, रेशो को मेजर कर जाएगा, जिनका हमारे पास 180 सम नहीं आएगा वो क्या आ जाएगा ना, तो इनको सॉल्व करना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है एंगल मेजरमेंट, अब देखो 32 है, 43 है, सारे के सारे एंगल डिफरेंट है, तो कौन सी ट्राइंगल होगी, स्केलन ट्राइंगल, कौन सी होगी, स्केलन ट्राइंगल। अब नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर ऑब्टूज और आइसोसेल्स ट्राइंगल, ऑब्टूज में कौन कौन सा होगा, ऑब्टूज में हमें हमारे पास टू तो साइड्स इक्वल होने चाहिए, क्या होने चाहिए, टू साइड्स इक्वल होने चाहिए, और वन एंगल कितने का होना चाहिए हमारे पास, 190 से ग्रेटर। अब देखो पी पे जो एंगल बना है, जो बेटा पी पे इस पे स्टेट बनता है, जो हमारे पास ये पी पॉइंट है, अगर इस पे स्टेट बनता है तो 90 का होता है, उस पॉइंट से आउटसाइड होता है तो 90 से ग्रेटर होता है। तो अब देखिए पी पे बन रहा है ऑब्टूज एंगल, ठीक है। अब देखिए इसमें दो साइड्स इक्वल है, नेक्स्ट क्यू पे नहीं बन रहा है, कौन से पे भी, और कौन से बन रहा है, आर पे, तो पी एंड आर हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि जो एक लैडर है हमारे पास दैट इज 13 मीटर लॉन्ग लिंक्स अगेंस्ट ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग से वो कितने मीटर लंबा है, 13 मीटर लंबा है। द बॉटम ऑफ द लैडर
इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग खड़ी है उससे कितना है वो। हाउ फार अप द साइड ऑफ बिल्डिंग डज द लैडर रीच, जो बिल्डिंग से है वो लैडर कहाँ तक पहुंच रहा है। जैसे कि ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग का बेस है बॉटम है वो 90 का एंगल बनाता है, यहाँ से यहाँ तक जो लैडर लगाया हुआ है वो कितना है हमारे पास 13 मीटर है। कितना है हमारे पास 13 मीटर है। अब कह रहा है बॉटम ऑफ द लैडर इज 5 मीटर, जो बेस है यहाँ से बेस है और उसकी बॉटम से वो कितना है 5 मीटर है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो राइट ट्राइंगल बन रही पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है 13 का स्क्वायर, बेस क्या है 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर निकालना है 13 का स्क्वायर 169, 5 का 25। पी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, इस साइड प्लस का है इस साइड माइनस का हो जाएगा, क्या आ गया 144। अब 144 किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का, किसका स्क्वायर रूट होता है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इन द गिवन फिगर्स में ठीक है क्या कह रहे हैं कि बी ए सी देखो बी ए सी कितने का है 40, ए बी सी कितने का है 70। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी डी, ए सी डी ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको एक्स क्या होता है कि बेटा ट्राइंगल में, ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल टू होता है इन अपोजिट साइड्स के टू इंटीरियर एंगल के। क्या होता है इन ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल्स होता है वो क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स में इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होते हैं। तो ये आंसर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 110। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स आर टू एक्यूट एंगल, अगर टू एक्यूट एंगल को करते हैं तो 90 का एंगल बन जाता है, और क्या टू एक्यूट एंगल का सम अगर 90 आते हैं तो उसको क्या नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर टू हमारे पास वन एक्यूट वन ऑब्ट्यूज एंगल हो, अगर उनका सम वैसा आता हो 180 आता है स्ट्रेट एंगल आता है तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉ टू ए गिवन लाइन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट आउटसाइड इट, विच एंगल इंप्लीकेशन अमंग द एलिमेंट हैज द शॉर्टेस्ट लेंथ। शॉर्टेस्ट लेंथ बेटा जितना बड़ा अपने पास एंगल होगा, जितना ग्रेटर एंगल की वैल्यू होगी वही शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, उसी से क्या आएगा शॉर्टेस्ट लेंथ आएगी। अब देखो ग्रेटर एंगल कितने का है 75 का है, जितना ग्रेटर एंगल होगा उसी से क्या आएगी अपने पास शॉर्टेस्ट लेंथ आएगी अल्टरनेट। तो क्या कितने का है ग्रेटर एंगल 17 का, कितने का है 17 का, ये बेटा करवा चुके हैं। नेक्स्ट में देखो 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल्स मीन्स वन एंगल तो 90 का होना चाहिए ठीक है, अगर टू एंगल्स का सम करें तो कितना आना चाहिए 90 नहीं आना चाहिए। अब देखो वन एंगल तो 90 का है फर्स्ट में, अगर सेकंड फर्स्ट टू एंगल का सम करते हैं वो कितना आता है 100 आता है, तो इनको सम करेंगे 190 हो गया, तो ये हमारे पास नहीं होगा। लास्ट का देखिए डी पार्ट क्या है 55, 35 और 90 है। अब देखिए 90 हो गए राइट एंगल, अब इनका सम करेंगे ये भी कितना आ रहा है 90 आ रहा है, 90 90 180 हो गया, तो यहाँ से ट्राइंगल पॉसिबल है।
नेक्स्ट क्या होता है, इन्हें पैरामीटर्स में हम फाइंड आउट कर लेंगे। AB प्लस में BC प्लस में BC बेटा ये क्वेश्चन पहले भी हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास फिगर्स गिवन है, क्यू आर और एल एम इसमें कोई दो साइड्स इक्वल दे रखे आइसोसेल,
ना तो ये कॉन्ग्रुएंट है नहीं है आइसोसेल्स है तो क्या जाएगा नन ऑफ दीज। ओके बेटा थैंक यू।